किसान के बेटे ने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्राप्त किया 464वां स्थान। मां कलही की नगरी पवई को नगर के एक छात्र ने फिर गौरवान्वित किया। छात्र संदीप पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2019 में 464वीं रैंक प्राप्त की है। संदीप का जन्म तो दमोह जिले में हुआ है, लेकिन पन्ना जिले के पवई नगर में अपने ननिहाल में रहकर कक्षा प्रथम से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। छोटे से गांव डोली तहसील हटा जिला दमोह निवासी संदीप पटेल पिता दीप नारायण पटेल ने 464वीं रैंक हासिल कर दो जिलों का नाम रोशन किया है। संदीप बचपन से ही अपने नाना नत्थू पटेल एवं नानी इंद्र रानी पटेल के यहाँ रहकर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर आगे की शिक्षा दिल्ली में ग्रहण की। संदीप ने बताया कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, पिताजी किसान हैं, माँ गृहिणी हैं तथा एक बहन प्रतीक्षा है। संदीप ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता सहित अपने नाना नानी एवं अपने मामा संतोष कृष्ण कुमार अनिल शिक्षक श्रीकांत शिक्षक सहित अपने गुरुजनों को दिया है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए पन्ना से सौरभ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। यूपीएससी परीक्षा में आपने सफलता अर्जित की है, ये परीक्षा कब से संपन्न हुई थी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिविल सर्विस एग्जाम 2019 है और इसका रिजल्ट इस साल अभी आया है। लॉकडाउन की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया था। मेरा नाम संदीप कुमार पटेल है और मेरा सिविल सर्विस एग्जाम 2020 में 464 प्राप्त हुआ है मुझे। और ये परीक्षा पिछले साल 2019 से शुरू हुई थी, जिसमें मैंने तीनों स्टेज क्वालिफाई करके और अंत में 464 रैंक हासिल किया है। और ये पूरे देश में परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज परीक्षा जिसको कहते हैं, जिसमें लगभग 24 परीक्षाओं का एक साथ 24 पोस्ट दी जाती हैं। और इसमें सबसे पहले IAS, IPS और IFS ये तीन इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, और इसके अलावा कुछ सेंट्रल सर्विसेज और ग्रुप ए और ग्रुप बी होती हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपनी पूरी फैमिली, पिताजी, माताजी और जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई मामा जी लोगों के यहाँ, नाना नानी और अपने सारे दोस्त लोगों को दूंगा। इसके अलावा मेरे जो गुरुजन हैं, जो मुझे आज बचपन से लेके आज तक उन्होंने मार्गदर्शित किया है, उन सभी गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप मामा मामी के यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं बचपन से ही आ गया था, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है यहीं से स्टार्ट हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी 12th तक शिक्षा हुई, तो पूरा बचपन यहीं बीता है, मामा लोगों के यहाँ नाना नानी के साथ रहा। और फिर यहाँ से मैं ग्रेजुएशन करने दिल्ली चला गया था, वहीं पे मैंने UPSC की तैयारी की और उसके बाद एग्ज़ाम दिया।